हे गाइस, व्हाट्स अप, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप सभी को फिर से कुछ लाइव ट्रेड्स करके दिखाऊंगा। सबसे पहले मैं यहां पे चार्ट ओपन कर लेता हूं, ठीक है, और मैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बेस पे आज ट्रेड करने वाले हैं हम लोग। तो यहां पे मैं हॉरिजॉन्टल लाइन को ठीक से सेट करके एडजस्ट करके यहाँ पे 2 से 3 जो मेरे मैक्सिमम जो लेवल्स हैं वो मैं एडजस्ट करूँगा सबसे पहले, और उसके बाद मैं आपको लाइव कुछ ट्रेड करके दिखाऊँगा, ठीक है। कुछ मतलब ऐसा नहीं हो गया कि मैं आपको लाइव 500-700 रुपए की ही ट्रेड करके दिखाऊँ, मैं आपको कम से कम कंपाउंडिंग करके दिखाऊँगा 2 से 3 स्टेप। और यहाँ पर आप देख सकते हो एक अच्छी मतलब अपॉर्चुनिटी है, अगर इस ये वाली जो कैंडल है, ये वाली कैंडल मेरे को काफ़ी नीचे आ गई, यहाँ पे हम मतलब सेल डायरेक्शन के लिए जा सकते थे क्योंकि हमारा जो बायर लेवल है वो काफ़ी ज़्यादा नीचे है। लेकिन अगर ये उसको टच कर देगा, क्योंकि अभी ये बीच में आके फंस गया, अगर टच कर देगा तो मैं बाय डायरेक्शन के लिए जाऊँगा। तो यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हो मैंने यहाँ पे एक ट्रेड ले लिया है। क्यों मैंने ट्रेड ले लिया, क्योंकि जो मेरा बायर्स का जो लेवल था उस लेवल पर मार्केट ऑलरेडी आ चुका, तो वही मैंने अपवर्ड डायरेक्शन के लिए एक ट्रेड प्लेस किया है, ठीक है। और इसका रिजल्ट देखते हैं, क्योंकि ये बाइनरी मार्केट है तो इसके अंदर आपको प्लस माइनस वन एरर देखने के लिए तो मिलता ही मिलता है। तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, अगर हमारा लॉस होता है तो नेक्स्ट स्टेप में जो जितना भी अमाउंट मैं इस बार लगा रहा हूँ वो नेक्स्ट में डबल के साथ प्लेस कर दूंगा, ठीक है। बाय द वे अभी तो नॉर्मली प्रॉफिट ही चल रहा है, तो देखते हैं यहाँ पे हमारा रिजल्ट क्या होने वाला है। आपको देखिए पेशेंस के साथ ऐसे ही ट्रेड करना है, आराम आराम से। लॉस हो गया, कोई नहीं, मैं यहाँ पे जैसा कि मैंने आपको बोला था प्लस माइनस का थोड़ा बहुत एरर हमको देखने के लिए मार्केट के अंदर मिलेगा ही मिलेगा, तो उसको हमने कवर अप करने के लिए सिंपल से क्या किया यहाँ पे कि डबल अमाउंट के साथ मैं ट्रेड प्लेस कर दिया। 14,000 की मेरी एक ट्रेड लॉस हुई, मैंने 2 ट्रेड यहाँ पे प्लेस कर दिए, ठीक है। सो यहाँ पे आप देख सकते हो काफ़ी ज़्यादा मतलब डीप विन हमारी जो ट्रेड है वो चल रही है, जो भी हमारी स्ट्रेटजी थी एकदम परफेक्टली वर्क कर रही है। जैसे कि मैंने आपको बोला था कि भाई यहाँ पे इस तरीके से रहेगा, ठीक है। आराम, बहुत आराम से मेरी एक ट्रेड लॉस हुई थी, मैंने डबल अमाउंट लगाया क्योंकि मुझे पता था अगर हमारा एनालाइज परफेक्ट है तो वो ट्रेड प्रॉफिट में, चाहे लास्ट सेकंड में आए लेकिन प्रॉफिट में ही आएगी। और बाइनरी में आपको पता है कि थोड़ा बहुत एरर देखने के लिए मिलता ही मिलता है, ठीक है। तो अगर ये हमारी ट्रेड प्रॉफिट हो जाएगी तो उसके बाद में हमारा क्या सिस्टम रहेगा इसका, हमारा कम से कम ये फर्स्ट स्टेप जो क्लियर हो जाएगा, देखा। सो यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हो हमारी एक ट्रेड जो है वो प्रॉफिट में आ चुकी है। मैं आपको बताता हूँ ये लॉस भी हमारी क्यों हुई थी, ठीक है। देखिए हमने मेजर जो हमारी एंट्री थी वो यहाँ पे थी, ठीक है, इसी लास्ट वाली कैंडल पे रिजेक्शन होना चाहिए था, बट ये जो ग्रीन वाली कैंडल है इस पर रिजेक्शन हुआ। ये हमारा एक स्ट्रांग बायर्स का लेवल हो गया। ऊपर अगर हम देखोगे तो वहाँ पे भी एक लेवल है, रेजिस्टेंस लेवल है, और उससे ऊपर एक यहाँ पर भी एक रेजिस्टेंस लेवल है, ठीक है। और मार्केट का अगर मैं आपको मूवमेंट दिखाऊँ तो देखो ऐसा मतलब थोड़ा थोड़ा फ्लक्चुएट है, एकदम से ऊपर गया, फिर वहाँ से उसने क्या किया, वहाँ पर उस लेवल को टच किया, ठीक है। वहाँ पर जाने के बाद पूरे बायर्स खत्म हुए तो वहाँ पर सेलर्स ने अपना प्रेशर दिखाना शुरू किया। यहाँ पर इस कैंडल पे कन्फ्यूजन ये होगी कि इस कैंडल पे जो ऊपर आप देखोगे तो टेल थी, तो ऐसे में मेरे को लगा था कि यहीं से रिवर्सल ले सकता है, बट वो हुआ नहीं। और हमारी जो ये वाली जो कैंडल है यहाँ पे हमारा प्रॉफिट होना चाहिए था, प्लस माइनस का एरर देके वो यहाँ पे प्रॉफिट दे दिया, ठीक है। तो इसको बोलते हैं मतलब एक्यूरेसी, जो भी रहेगा आपको अगर आपके एनालाइज परफेक्ट है तो आपको लास्ट सेकंड में भी जाके प्रॉफिट होगा। आप देख सकते हो यहाँ पे क्लियरली 14,000 का मेरा एक लॉस हुआ था, मैंने 2 यहाँ पे लॉट बुक कर लिए डबल अमाउंट के साथ में, मैंने प्रॉफिट बुक किया है, ठीक है। और अगर अपॉर्चुनिटी और भी मिलेगी तो मैं डेफिनेटली मैं ट्रेड करूँगा गाइज। यहाँ से मैं पहले एक ट्रेंड लाइन और ड्रॉ कर लेता हूँ, क्योंकि फर्स्ट ट्रेड मैंने थोड़ी जल्दी में ली थी, ठीक है, मेरे को अपॉर्चुनिटी मिल रही थी तो मैंने ट्रेड ले ली थी। सो यहाँ पे एक मेरा ट्रेंड ये हो गया, एक मैं यहाँ से एक और लेवल ड्रॉ कर देता हूँ, ठीक है। अगर ये वाली कैंडल हमारी लेवल के ऊपर रहेगी तो मैं नेक्स्ट ग्रीन के लिए जाऊँगा, अगर रेड होती है ये वाली तो मैं नेक्स्ट रेड के लिए ही जाऊँगा, बट एंट्री देख के। और मैं यहाँ पे अमाउंट सेट कर लेता हूँ, तो मैंने 20,000 यहाँ पे अमाउंट सेट कर लिया है। और जैसे कि मैंने बोला था रेड के लिए मतलब डाउनवर्ड के लिए ही हमको एंट्री लेनी है, लेकिन अब मैं थोड़ा सा इसको क्या करने वाला हूँ, सेफ एंट्री के लिए मैंने यहाँ पे इसको मतलब ट्रेड प्लेस किया है, सिर्फ सेफ प्ले करने के लिए।
और ये चीज़ आप देखना, चाहे लास्ट के 10 सेकंड में रिवर्सल आएगा, लेकिन इस पर रिवर्सल बहुत ज़्यादा स्ट्रांग आने के चांसेस हैं, क्योंकि लास्ट वाली कैंडल पे आप देख सकते हो सेलर्स का कितना हाई प्रेशर है। अगर मार्केट को उस लेवल से ऊपर जाना होता तो वहीं से उसको सपोर्ट बना के जा सकता था बहुत आराम से, लेकिन वो नहीं गया, वो डाउन आया। तो हमने भी क्या किया, नेक्स्ट जो ट्रेड थी हमारी 1 मिनट की, हमने अमाउंट थोड़ा इंक्रीज़ करके और डाउन में ही प्लेस कर दी। आप यहाँ पे 5 सेकंड में देख सकते हो, आपको डिफरेंस पता चल जाएगा। तो यार ऐसे ही आपको भी प्रॉफिट करना है, ट्रेड करना है, सीख सीख के धीरे धीरे करके। एक साथ इतना रिस्क मत लेना, क्योंकि बहुत से बंदों को मैंने देखा है 10-20 हज़ार डिपॉजिट करते हैं और उसको वैनिश करके बैठ जाते हैं, पूरा कैपिटल ड्रेन कर लेते हैं वो। तो यहाँ पे भी हमको प्रॉफिट हो चुका है, सेकेंड जो कंपाउंडिंग थी वो भी हमारी सक्सेस हो चुकी है गाइज, ठीक है। अभी मैं आपको एक फाइनल ट्रेड एक और करके दिखाऊंगा, सबसे पहले मैं आपको ये चीज़ दिखा देता हूँ। यहाँ पे तो बताने की कोई ज़रूरत है नहीं, क्योंकि मेरे को एंट्री मिली अच्छी जगह पे, तो मैंने यहाँ पे क्या लिख किया, मैंने डाउनवर्ड के लिए एक ट्रेड प्लेस कर दिया था, ठीक है। और वो मार्केट मैंने आपको पहले ही बताया था कि अगर वो रेड बनेगी तो नेक्स्ट भी हम 1 मिनट के लिए रेड के लिए ही जाएंगे। तो अब मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, 35,000 की जो ट्रेड है वो प्लेस कर लेता हूँ, एक 35,000 अमाउंट फीड कर लेता हूँ यहाँ पे। और यहाँ मेरे को एंट्री शायद से नहीं है, यहाँ पे भी शायद मैं लेवल्स एडजस्ट कर लेता हूँ। मेरे को जहाँ एंट्री मिलेगी मैं आपको ट्रेड प्लेस करने के बाद ट्रेड को फुल एक्सप्लेनेशन के साथ बताऊँगा मैंने क्यों प्लेस किया, अगर लॉस होती है तो क्यों लॉस होती है, और अगर प्रॉफिट हो रही है तो क्यों प्रॉफिट हो रही है, ठीक है। मैं देख लेता हूँ यहाँ पे, थोड़ा सा मार्केट को देखना भी ज़रूरी है। यहाँ पे मेरे को थोड़ा सा लग रहा है सही, ये सही लग रहा है, इसको एक बार लेवल ड्रॉ करके मेरे को एंट्री मिस ना हो जाए। बस यहाँ पे एक बार थोड़ा सा कंफर्म करना है मेरे को, कंफर्म, ठीक है। सो आप यहाँ पे देख सकते हो एकदम एक स्ट्रांग लेवल है, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग। एंट्री नीचे ना लगे, मैं यहाँ पे मिस नहीं करूँगा इस चांस को, मैं यहाँ पे ट्रेड प्लेस कर लूँगा, क्योंकि एक स्ट्रांग रेजिस्टेंस लेवल है वहाँ पे। बट मैं लास्ट के 2 सेकंड का भी वेट करूँगा, अगर मेरे को ऊपर एंट्री मिलेगी तो मेरा थोड़ा सा मार्जिनल सेफ्टी हो जाएगा। मेरा नहीं हुआ तो मैंने यहाँ पे डाउनवर्ड के लिए ट्रेड प्लेस कर लिया, क्योंकि मुझे पता था ये वाली जो कैंडल थी 101% डाउन ही बनेगी गाइज, या आप देख लेना 1000% आप ये डाउन ही जाएगी। ये मेगा का लेवल है, ठीक है, मेगा ट्रेडर का लेवल है ये, और इसको नीचे आना ही आना पड़ेगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, मेरे को कॉल आ गया था सॉरी, बहुत आराम से हमारी जो ट्रेड थी वो प्रॉफिट हो चुकी है। 3 स्टेप जो कंपाउंडिंग थी हमारी डन हो गई, 2 लाख से मैंने शुरू किया था, लगभग 2,56,000 हमारा कैपिटल हो गया है। और आप बोलो तो मैं इस एक पर्टिकुलर ट्रेड को भी आपको एक्सप्लेनेशन करके दिखा सकता हूँ, इसमें ऐसा कोई तामझाम वैसे है नहीं इतना ज़्यादा, क्योंकि ये एक, देखो मैं आपको एक बार फिर से दिखाई देता हूँ, ये ना एक मैं ये जोन क्रिएट कर लेता हूँ, अभी आप देखो थोड़ा सा अच्छे से समझ में आएगा। ये मैंने आपको क्या बोला स्टार्टिंग में, बोला था ये एक स्ट्रांग लेवल है, एक रेजिस्टेंस लेवल था, एक स्ट्रांग रेजिस्टेंस लेवल, ठीक है। मार्केट यहाँ से एक टाइप का वी टाइप शेप बनाया इसने, वी टाइप, अब ध्यान से देखोगे ना, वी टाइप शेप बनाया, तब यहाँ पे गया वो, और वहाँ से जाके उसने लास्ट कैंडल पे भी उतना ही रिवर्सल लिया था। अगर उसके वो क्लोज ऊपर देता तो हम कह सकते थे कि यहाँ पे भाई थोड़ा सा ब्रेकआउट हुआ तो नेक्स्ट कैंडल जो हमारी ग्रीन भी बन सकती है, बट वो तो वहाँ से रिवर्सल लेके नीचे आ गई ना। अब ये वाली कैंडल सीधा देखो, उस लेवल से सीधा सीधा रिवर्सल लेके नीचे आ गई, चाहे थोड़ा सा रिजेक्शन है बट लेवल के नीचे है। तो हमने क्या किया, यहाँ पे ट्रेड जो थी वो डाउनवर्ड के लिए प्लेस पैस कर दी और हमारी बहुत आराम से प्रॉफिट हो गई। आप यहाँ पे हिस्ट्री देख सकते हो, सिर्फ एक ट्रेड हमारी लॉस हुई है और प्रॉफिट हुई है हमारी बैक टू बैक 4 ट्रेड्स, ठीक है, जिसमें कि हमने 3 स्टेप तक कंपाउंडिंग भी डन करके आपको दिखाई। और यही सारे सिग्नल्स मैं आपको बता दूं, मैं टेलीग्राम चैनल पे बिल्कुल फ्री में प्रोवाइड करता हूं। अगर आप लोग भी ज्वाइन होना चाहते हो टेलीग्राम चैनल तो आप बेशक ज्वाइन हो सकते हो, लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, और वहां पे जाके आप मैसेज कर सकते हो मेरे को अगर आपका कोई भी क्वेरी रहता है तो। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना बहुत सारा ध्यान रखिए, बाय बाय।